हेलो एंड नमस्कार। जब भी आप प्रीलिम्स का एग्जाम फाइट करने जाते हैं तो पांच ऐसी बातें होती है जो आपके जहन में होनी चाहिए। नंबर वन, अगर आप एमसीक्यू को रीड आउट कर रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को रीड आउट कर रहे हो और रीड आउट करते ही चार ऑप्शन में से आपको आंसर दिख जाता है तो उस केस में आप उस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं और उसी समय आप अगर कॉन्फिडेंट हैं तो आप उसी समय ओएमआर शीट के अंदर उसका आंसर फिल कर दीजिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको पहले 1, 2, 3, 4, 5 पहले इनको अपने पेपर के अंदर ही सोच के रखते हैं, टिक करके रखते हैं और उसके बाद में ओएमआर शीट एक साथ फिल करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है, आपको हमेशा 1-to-1 अप्रोच फॉलो करनी चाहिए ओएमआर शीट को फिल करने की। नहीं तो क्या हुआ, अगर आपने एक भी सर्किल ऊपर नीचे कर दिया तो आपके सारे के सारे सवाल गलत हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई सारे स्टूडेंट के साथ इतिहास में ऐसा हो चुका है, ये गलती आपको रिपीट नहीं करनी है। यानी कि 1-to-1 ओएमआर फिलिंग होनी चाहिए, पहली अप्रोच। सेकेंड नंबर अप्रोच पर आते हैं, जब आप ओएमआर शीट के सॉरी आप एमसीक्यू जब रीड आउट करते हो तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ सवाल आपको नहीं आते। ये जो नहीं आने वाले सवाल होते हैं ना, ये तीन कैटेगरी के अंदर होते हैं। मैं इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूं, 1, 2 एंड 3। आप चाहे तो इसको कलर कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं, ग्रीन कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी और रेड कैटेगरी, 1, 2 और 3। नंबर वन, ये वो कैटेगरी है, अगर आप एक बार उसको वापस पढ़ोगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आंसर आ जाएगा। वन कैटेगरी। टू कैटेगरी, ये वो कैटेगरी है जहां पर आपको पूरा समय देना पड़ेगा, थोड़ा अगर आप टाइम कंज्यूम दोगे ना, उसको टाइम कंज्यूम करोगे ना, अगर पूरी कैलकुलेशन को ऑब्जर्व करोगे तो हो सकता है आंसर निकाल लो, हो सकता है आंसर निकल जाए वहां पर। सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी का एग्जांपल सुन लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए आपने किसी बेरेट की रेंज याद कर रखी है लेकिन आपको रैंडम रेंज याद नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, शुरुआत से लेकर जो है वहां तक चलोगे। जैसे आपसे पूछा चैप्टर 9 क्या है सीआरपीसी का, तो आप रिकॉल करते हो 1 में ये था, 2 में ये था, 3 में 4 था और 9 तक पहुंचते हो, तो यहां पर थोड़ा समय लग जाता है, आंसर आ जाता है। तो सेकेंड कैटेगरी, समय लग जाएगा लेकिन आंसर निकल सकता है। और तीसरी कैटेगरी जहां पर आंसर निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो ऐसी कैटेगरी जो आपको नहीं आती, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये कैटेगरी मैं आपको क्यों बता रहा हूं पता है, जब आपके हाथ में पेपर आता है आप शुरू से लेकर एंड तक क्या करते हो, सारे सवालों को एक बार फटाफट गो थ्रू कर लीजिए। भाई एक बार हमें देखने का, अच्छा टोटल 150 क्वेश्चन है, बीच में से ओएमआर हमारा जो पेपर है कहीं फटाफटा नहीं है, ये आप देख लीजिए, क्योंकि सारे सवालों को आप शुरुआत में नहीं पढ़ सकते, ये फैक्ट। तो उस समय जो सवाल आपको आ रहे हैं आपने 1-to-1 ओएमआर मार्किंग कर दी उसकी, और जो सवाल नहीं आ रहे हैं उनको आप 1, 2, 3 तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लो। जब आपका पेपर एक बार एंड तक पहुंच जाए, ऐसे सवाल करते करते एंड तक पहुंच जाए, तो फिर आप देखना कि आपको अब कौन से सवालों पर दिमाग लगाना है, रिमेनिंग आपका जो टाइम बच गया तो कहां पर दिमाग लगाना है। तो आपको फर्स्ट कैटेगरी जहां पर एक बार अगर गो थ्रू करोगे तो हो सकता है आंसर आसानी से निकल जाए, ठीक। फिर आपको सेकेंड वाले राउंड में उसको फर्स्ट कैटेगरी को कंप्लीट करना है, फिर भी अगर समय बच जाता है तो आप सेकंड कैटेगरी को, जहां पर क्या है, जहां पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है, जहां पर आपको दिमाग लगाना है, टाइम कंज्यूम होगा, या फिर मैचिंग वाले सवाल जो हमारे जहां पर एक ऑप्शन के विकल्प में से दूसरे ऑप्शन के विकल्प को चूज है जो करना होता है, तो सेकेंड कैटेगरी। और थर्ड कैटेगरी में समय वेस्ट बिल्कुल मत करना, आपके दिमाग को पता होता है कि कौन सा डायरेक्टली टिक करने वाला सवाल है, कौन सा फर्स्ट कैटेगरी का सवाल है जो आसानी से रिकॉल करने पर आंसर आ सकता है, कौन सा सेकंड कैटेगरी का सवाल है जहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, टाइम कंज्यूम करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, और कौन सा थर्ड कैटेगरी यानी कि जहां पर रेड लाइट है वो सवाल नहीं आने वाला है। तो ये आपको एमसीक्यू का कैटेगराइजेशन है जो करना चाहिए, ये सेकेंड अप्रोच आप एग्जाम के अंदर जरूर फॉलो करिए। तीसरी और एक इंपॉर्टेंट अप्रोच हमेशा ध्यान रखिएगा, वो ये होती है कि अगर आपके एक ही दिन के अंदर दो एग्जामिनेशन है और दो अलग अलग शिफ्ट के अंदर है, तो पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के बीच में जो टाइम गैप होता है ना, हम लोग अक्सर ही गलती करने बैठ जाते हैं कि उस टाइम गैप के अंदर दूसरे वाले पेपर की सारी बातें रीड करने लग जाते हैं, मतलब उसका रिविजन करने बैठ जाते हैं। दो घंटे के अंदर आप कोशिश करते हो कि सेकेंड पेपर जो स्टार्ट होगा उससे पहले आप सारा का सारा रिवाइज कर लूँ, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। उस सेकेंड पेपर से पहले जो आपका टाइम गैप है, जो बीच का ब्रेक पीरियड है, इसमें आप क्या करो, इसमें आप थोड़ा सा सोने की कोशिश करो। हालांकि मैं जानता हूं कि यहां पर स्टूडेंट के लिए उस टाइम पे सोना मुश्किल होता है, बट ट्राई, चाहे आप भले 10 मिनट का भी एक नैप ले लो, कोशिश करके आपको वो पावर नैप लेनी चाहिए, वो आपको सेकंड वाले पेपर के लिए चार्ज कर देती है। और फिर भी अगर आपका मन करता है कि नहीं उस गैप के अंदर कुछ ना कुछ मुझे पढ़ना ही है, तो उस केस के अंदर आप कोई ऐसा टॉपिक लीजिए जो आप आराम से पूरा डेप्थ में पढ़ सकें, भले ही आप उसमें से कोई एक कहानी ही पढ़ रहे हो, आप किसी हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ रहे हो या किसी बेरेट के अंदर किसी एक प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर की बेसिक प्रोविजन, लेकिन आराम से पढ़ना उस गैप के अंदर, आराम से पढ़ना, क्योंकि उस गैप के अंदर जो कुछ पढ़ा जाता है जल्दबाजी में वैसे भी याद नहीं रहता है,
इस बात का आपको क्या करना है, स्पेसिफिकली ध्यान है जो रखना है, ताकि तो इसलिए ये जो गैप का पीरियड आपको यूटिलाइज करना। चौथा और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप सेकंड, चौथी टिप्स जो है वो है कि दूसरे वाले पेपर के लिए हमेशा एनर्जी बचाओ। मतलब उस बीच वाले गैप में कभी भी ज्यादा इधर उधर भागना दौड़ना, या फिर आपको जो है 10 किलोमीटर दूर जाके खाना खा के वापिस आ रहे हो, या फिर अपने घर पे जा रहे हो, घर पे बहुत दूर है, ऐसा नहीं करना। इससे क्या होता है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो बेटर ये है कि आप जब घर से निकलो उसी समय टिफिन विफिन लेके, या फिर भैया भाभी जो भी आपके साथ में चलते हैं उनके, उनको कह के रखो कि भाई मेरे को इस टाइम पे जो है खाना वाना खाना, वहीं पर सेंटर पर ही है, मैं क्या करूंगा, खाना है जो खाऊंगा। इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान है जो रखना है। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके यहां पर यह भी रहेगी कि जब भी आप फर्स्ट पेपर कंप्लीट कर लेते हो उसको डिस्कस ना करें। पेपर कंप्लीट होने के बाद में आपको सेकेंड पेपर के लिए खुद को पीसफुली सेव करना है। ऐसे टाइम के अंदर डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग सेकंड पेपर के अंदर भी होने वाली है, फर्स्ट पेपर के अंदर भी होने वाली है। डिस्कशन करने से जो दिमाग है वो थोड़ा परेशान हो, और ये हमें काम ऐसा परेशानी वाला नहीं करना है। और एक लास्ट में बात आपसे कहना चाहता हूं कि जब मेहनत की है तो डरना क्या, और जब मेहनत नहीं की है तो डरना क्या, है ना। ओवरऑल ये है कि खुले नेचुरल तरीके से जाके एग्जाम फाइट करो। रुके ही न तू, चुके ही न तू, चला चले अतीत के प्रमाण से भविष्य के निर्माण। और साथ ही साथ में जो भी आपके जरूरी दस्तावेज होते हैं वो सोने से पहले ही एश्योर कर ले जो आपको एग्जाम के अंदर लेके जाना है, चाहे वो आईडी प्रूफ हो, चाहे आपके पासपोर्ट साइज फोटो हो, या कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट जो कि जरूरी है एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग उनको। अब यहां पर बाकी सारे कैंडिडेट से मैं कहना चाहता हूं कि इस 18 तारीख से, 18 फरवरी से एक रेगुलर लिंकिंग बैच है जो स्टार्ट होने वाला है, जहां पर हम सारे के सारे टॉपिक्स को डील करने वाले हैं, चाहे वो राजस्थान जुडिशरी का हो, गुजरात का हो, उत्तराखंड का हो, मध्य प्रदेश का हो, उड़ीसा का हो, महाराष्ट्र का हो। तो आप तैयार हो जाइए हमारे साथ में अपनी प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए, डायग्रामेटिक तरीके से नोट्स बनाना, साथ ही साथ में लीगल मेडिटेशन करना लिंकिंग चार्ट की सहायता से। और अभी आपके पास अनअकैडमी का ऑफर है, जहां पर आप क्या कर सकते हो, लिंकिंग कोड के साथ सब्सक्राइब करके 20% का बेनिफिट तो डायरेक्टली ले सकते हो। इसके अलावा भी जो आपके पास एक्स्ट्रा वैलिडिटी है, मतलब कि अगर आपने 6 मंथ का सब्सक्राइब किया है तो 1 महीने का एक्स्ट्रा, यानी कि टोटल 7 मंथ का वैलिडिटी आपको है जो यहां पर देखना मिल जाएगा। 12 मंथ का आपने सब्सक्राइब किया तो 2 महीने का आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 18 मंथ या उससे ज्यादा का कर रखा है तो आपको यहां पर आपके 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी है जो मिल सकती है, टेक बेनिफिट ऑफ इट, ठीक है, ताकि आप जो है अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सके। और ये मैं आपको एश्योर करता हूं कि आपका दिल नहीं दुखने दूंगा, और मेहनत करेंगे जी जान से, ताकि सिलेक्शन की लिस्ट के अंदर आपका नाम भी जो है शामिल हो सके। और इसी YouTube चैनल पर हम एक लिंकिंग मुलाकात करेंगे आप सभी भावी जस के साथ। थैंक यू।